जय हिंद सारे भाइयों को, राम राम, नमस्कार भाइयों। आज एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है। जो भाइयों ने वीडियो पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भाइयों, जो भाइयों का भाइयों ने 41 अमुनेशन रिपोर्ट आर्मी के जो भर्ती डाले थे, ट्रेड्समैन की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, फायरमैन की, मजदूर की, तो उन लोग का फिजिकल और एग्जाम्स जो है कब शुरू होने वाला है, अक्टूबर महीने में जो है लेह लद्दाख में होने वाला है। ठीक है, जो गोला बारूद भंडार की जो रिक्रूटमेंट है लेह लद्दाख में, लेह में होने वाला है। तो आप लोग लेह को जाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, तो लगभग जो श्रीनगर का रहने वाला बंदा वो जा सकता है बाय रोड, और ठीक है तो उत्तराखंड का के आदमी भी बाय रोड जा सकते हैं, पर बाकी लगभग बंदे को बाय रोड जाने से अच्छा, रोड में जाने से अच्छा वो लोग फ्लाइट में जा सकते हैं। तो आप लोग इधर दिल्ली से फ्लाइट पकड़ सकते हैं और जम्मू एयरपोर्ट से आप लोग फ्लाइट पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो उनका रिक्रूटमेंट एग्जाम अक्टूबर को होने वाला है, तो बढ़िया से तैयार कीजिए, आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो है SSC GD एग्जाम की बात बोलूँगा। भाई SSC GD का एग्जाम बहुत बहुत कुछ दिन बाकी है। सबसे बड़ी चीज़ है लड़के तैयारी बढ़िया करते हैं, सब कुछ होता है, पर जिस दिन एग्जाम होता है बहुत ही गड़बड़ा जाते हैं। क्यों भाई? तो आज मैं बता देता हूँ भाई, जिस दिन एग्जाम होता है आप लोग बढ़िया से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यदि कोई भाई भगवान को पूजा करते हैं तो पूजा कर सकते हैं, पूजा कीजिए। और जिस टाइम एग्जाम सेंटर जाने से पहले आप लोग एक पानी की बॉटल लीजिए, ठीक है, पानी बढ़िया से पीजिए, पानी पीजिए। और जैसे आप लोग अब हार्ट बीट बढ़ता रहता है तो आप लोग दिमाग में टेंशन मत लीजिए। टेंशन ना लेने के लिए कोई भगवान को ओमकार जप कीजिए, ओम ओमकार जप कीजिए, नहीं तो सांस बड़ी जोर से लीजिए, ठीक है, उसके बाद भी नहीं तो आप लोग मन में 1 से 10, 10 से 1 ऐसे गिनती कीजिए, तो आप लोग दिमाग थोड़ा कंट्रोल में रहेगा और गड़बड़ाना थोड़ा कम होगा। जब भी आप लोग का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, हमारा भाई लोग ने क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ते, 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ते, फिर क्वेश्चन करना शुरू करते, वो गलती मत कीजिए, वो गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग 4 पार्ट होता है, क्या है, पहला पार्ट, पार्ट ए क्या हो जाता है, जनरल रीजनिंग, पार्ट बी क्या होता है, मैथमेटिक्स, पार्ट सी क्या हो जाता है, आप लोग का GK, और पार्ट डी क्या हो जाता है आपका अपना हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले आप लोग कहाँ से शुरू करना है, पार्ट डी से, पार्ट डी से आप लोग जो चौथा भाग से क्या है वो आप लोग का हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि दोस्तों उसमें कोई आप लोग को मैथमेटिक्स की तरह उसको कोई हॉल निकालना नहीं पड़ेगा, या रीजनिंग की तरह कोई हॉल निकालना नहीं पड़ेगा, या GK की तरह आपको सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट जो आ रहा है आपको उसी में ही आंसर है, तो उसी में आप लोग को निकल सकते हो। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करना है, आप लोग सबसे पहले एग्जाम जब दोगे, सबसे पहले आप लोग पार्ट डी से शुरू करना है। पार्ट डी से शुरू करने से पहले आप लोग हिंदी ग्रामर से या इंग्लिश ग्रामर से पहले शुरू कीजिए। उसमें से देखिए, यदि जिस क्वेश्चन को आपको नहीं आ रहा है तो आपको लास्ट को रख लीजिए, क्योंकि 2 घंटा टाइम मिलता है, लास्ट को आप लोग रख लीजिए। ठीक है, और 25 मार्क्स से जो आ रहा है पहले उसको पहले कर लीजिए, उसके बाद आप आइएगा पार्ट सी को, GK को करिए। ठीक है, GK में आप लोग को देखिए, GK में जो आपको आ रहा है उसको कीजिए, नहीं आ रहा है तो सोचना है तो बाद में लास्ट को देख लीजिए, क्योंकि उस टाइम सोच के आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, जो आ रहा है पहले कम से कम 100 में से 45.5% आप लोग को मार्क कवर करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को कहाँ आना है, रीजनिंग में, रीजनिंग कीजिए, उसके बाद रीजनिंग तो आप लोग को कर ही लोगे, कोई बात नहीं, 25 से तो 20 क्वेश्चन आप लोग हो जाएगा। ठीक है, आसान रहता है। उसके बाद आप लोग आइए मैथमेटिक्स को, तो मैथमेटिक्स को आपको हॉल निकालने में टाइम लगता है, मैथमेटिक्स धीरे धीरे कीजिए, जैसे मैथमेटिक्स खत्म हो जाता है उसके बाद जो आपको याद नहीं आता है उसको थोड़ा याद कीजिए। ठीक है, और बाकी सबसे बड़ी गलती ये नहीं करना है, जिसको नहीं आ रहा है तो उसको ठीक मार दो, वो रिस्क मत लेना है, क्योंकि दोस्तों इस बार माइनस मार्किंग है। ठीक है, तो माइनस मार्किंग करके आपको एक पॉइंट का मार्क यदि कम ही हो जाता है तो आप लोग का सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग को एग्जाम के दिन तैयारी करना है। ठीक है, एग्जाम के दिन ऐसे ही आप लोग को करना है, बिल्कुल गड़बड़ाना नहीं, बिल्कुल जोश के साथ आप लोग एग्जाम देना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोग को ऑल द बेस्ट कहता हूँ। 41 FAD का एग्जाम और SSC GD का एग्जाम अभी बहुत ही एग्जाम है, आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। मैं सारे भाइयों को ऑल द बेस्ट कहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।